मोदी ने दुनिया के कई क्षेत्रों में जारी युद्ध के बीच आज कहा कि मौजूदा परिस्थिति में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं न केवल प्रासंगिक है बल्कि आवश्यक भी है और शांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विश्व को इनसे सीख लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने को भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान करार दिया और कहा कि भारत के बुद्ध में आस्था केवल अपने ही लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा का मार्ग है। आज उन्होंने आजादी के बाद भारत की सांस्कृतिक विरासत की उपेक्षा के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री राजधानी स्थित विज्ञान भवन में अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम और पाली को शास्त्रीय भाषा के तौर पर मान्यता देने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब विश्व अस्थिरता का सामना कर रहा है तो ऐसे में बुद्ध न केवल प्रासंगिक है बल्कि आवश्यक भी है। विश्व को युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में समाधान मिल सकता है। उसे शांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उनकी शिक्षाओं से सीख लेनी चाहिए।